नमस्कार डॉक्टर, सुस्वागतम। थैंक यू। आपका स्वागत है हेल्थ एजुकेशन और आपकी क्वेरीज में। आपका भी वेलकम है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। खास तौर से इसलिए क्योंकि आप इतनी बड़ी अदाकारा होने के बावजूद भी इतने जनहित में प्रोग्राम करने के लिए, इंटरव्यू के लिए आपने समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आ गए इसलिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। थैंक यू। आपकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स गॉड ग्रेस। कुछ डॉक्टर्स रोगी का इलाज करते हैं और कुछ डॉक्टर्स रोगी के साथ रोग का भी इलाज करते हैं। हमारे बीच ऐसे ही अनुभवी डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर एस के जैन। और आज हम फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित हो सकती है दोस्तों, सो डोंट मिस एनीथिंग। डॉक्टर साहब, आजकल कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो गया है। नेचुरली कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, जो भी है, कुछ कन्फ्यूजन है सबके माइंड में, तो प्लीज़ इसको ज़रा दूर कीजिएगा। बर्षा जी, बेशक आज की बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है ये कि कोलेस्ट्रॉल, हर मैंने देखा है तीसरे आदमी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसकी शुरुआत होती है एक गलत खान पान, आहार विहार या गलत लाइफ स्टाइल से। अब ये है कि अगर बाई द वे उसके अंदर किसी भी तरीके से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, तो यह है कि किस वजह से हुई, अगर हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें तो वो नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी एक्सरसाइज, आपका मेडिटेशन, योगा वगैरह बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। इसके साथ में एक बात का और भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल का ध्यान नहीं रखते हैं तो मे बी कि ये आपकी हार्ट डिजीज को कल को आपको उसका भी, उससे भी परेशान होना पड़े, दो चार होना पड़े। तो इस मामले में आप थोड़ा सा जो मैंने बातें बताई हैं संक्षेप में उनका ख्याल रखिए। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी ऐसी है जिसे आप पूछना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम को फ़ोन कीजिए। हमारी टीम आपको प्रॉपर मार्गदर्शन ही नहीं करेगी बल्कि प्री एंड पोस्ट जो कुछ भी आपको समझाना है, बताना है, उसमें पूरी तरीके से आपकी मदद करेगी। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, किसी से अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो सबसे पहले हार्ट अटैक का डर लगता है। Definitely. और ऐसा लगता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब हार्ट प्रॉब्लम, क्या इसका क्या ताल्लुक तो है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है जिसकी हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको हार्ट प्रॉब्लम है? देखिए, हमने ज़्यादा चिंता की तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल होगा तो हार्ट डिजीज आपको होने की संभावना, खुदा ना करे किसी को हार्ट अटैक हो। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई था साहब, हार्ट अटैक हो गया। आप कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखिए जिससे आपको हार्ट प्रॉब्लम ना होने पाए, क्योंकि अगर ये कहीं हो गई तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर सो मेनी ऑफ द मेडिसिन, जो भी आधुनिक दवाएँ हैं, समझे, यू नो वेरी वेल के उनमें से कुछ दवाएँ साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं, और साइड इफ़ेक्ट करने पर जो आदमी, मनुष्य की इम्यूनिटी पावर है वो लेस होने लगती है। अगर इम्यूनिटी पावर लेस हुई तो आपकी जो निजी ज़िंदगी है, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी कहा है, वो भी प्रभावित होगी। तो फिर यह है कि आपकी यंग लाइफ इससे प्रभावित ना होने पाए, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, आप अपनी मैरिड लाइफ में हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ये मेरी शुभकामना है। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। किसी भी स्वास्थ्य और सेक्स संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।